तो हेलो बसित के लोगों, तो कैसे हो आप सब लोग? वो बताऊँ क्या बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में फोर सर्वर मोड का रिव्यू करेंगे जिसे फ्यूचर गेमिंग चैनल ने बनाया है। तो फाइनली ये मोड रिलीज हो चुका है और इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें क्योंकि हम उधर भी ड्राइविंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंजन साउंड को देखेंगे। तो चलो इंजन साउंड की ओर। तो आप लोगों को कुछ इस तरह का एक्सटीरियर देखने को मिलेगा। तो इसका एक्सटीरियर कमाल का है, आपको एक बढ़िया सा एक्सटीरियर देखने को मिलता है और इसमें आपको सभी प्रकार के इंडिकेशन देखने को मिलेगा टेल लाइट पर। लेकिन इसका साइड इंडिकेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, शायद कुछ इशू होगा। और आपको इस मोड में रियलिस्टिक रेन इफेक्ट भी देखने को मिलता है इसके विंडशील्ड पर और साथ साथ आपको दो वाइपर भी देखने को मिलेगा जो कि कमाल का बात है। और इस मोड में आपको दो तरह के एडवेंचर ही देखने को मिलता है। तो पहले वाले में जिससे सामने का बम्पर गायब हो जाता है इसका इफेक्ट कुछ इस तरह का है और दूसरे वाले में जिससे विंडोज़ ओपन हो जाती है इसका इफेक्ट आप इधर देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा विंडो ओपनिंग का। और इसका इंटीरियर कमाल का है, आपको एक बढ़िया सा डैशबोर्ड देखने को मिलता है और आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डायल और इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन आपको किसी प्रकार का इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता इंटीरियर में। और आपको साथ साथ एक हैंगिंग देखने को मिलता है गाइस जो कि बहुत ही बढ़िया है और आपका इंटीरियर कैमरा व्यू को और भी बढ़िया बनाता है। तो एक अच्छा एडिशनल टच है गाइस। और इसका ड्राइविंग एंगल सही है, इसका स्पीड, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, स्टेबिलिटी भी अच्छा है। तो आपको इसे चलाने में दिक्कत नहीं आएगा गाइस, आप इसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है और आपको इस मोड में ड्राइवर और पैसेंजर सब कुछ देखने को मिलता है जो कि बढ़िया बात है। और इसमें आपको डोर एनिमेशन काम नहीं करता गाइस, मतलब इस मोड में डोर एनिमेशन ठीक से काम नहीं करता जो कि एक डाउनसाइड है। वरना तो मोड तो एकदम बढ़िया है गाइस, आपको एक बढ़िया सा रेन इफेक्ट भी देखने को मिलता है और साथ साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर भी कमाल का है। तो अच्छा मोड है। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा। तो मुझे तो बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई भी मॉनिटर इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। और इन्हें एटलीस्ट 3 एनिमेशन ही देना चाहिए था तब और भी मज़ा आता। लेकिन कोई बात नहीं, इस मोड तो बढ़िया है, चलाने में भी अच्छा है। तो अच्छा सा मोड बना दिया है इन्होंने। और पहले भी दो ट्रैवलर मोड आ चुके थे जो वो भी अच्छे थे, लेकिन उनमें आपको पैसेंजर देखने को नहीं मिलता था और इसके कंपैरिजन में उतना आपको रियलिस्टिक कैबिन देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इसमें आपको बहुत ही रियलिस्टिक कैबिन देखने को मिलता है। तो एक कमाल का मोड। तो मैं होप करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो एक को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही था, मैं आप सबसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।